नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। बात बोलने की में आपका स्वागत है। वैसे तो इस वीडियो में मुझे बिजली की बढ़ती जरूरतों और खतरनाक होती जल विद्युत परियोजनाओं के बारे में बात करनी थी, लेकिन इस बारे में अगले वीडियो में बात करेंगे। फिलहाल मैं आपको उत्तराखंड की अस्थाई राजधानी देहरादून ले जाना चाहता हूं। दरअसल जब भी कहीं कोई जन मुद्दा होता है तो मैं खुद को वीडियो बनाने से रोक नहीं पाता, और आपसे मैं सिर्फ इतना अनुरोध करूंगा कि प्लीज इस वीडियो को पूरा देखिए, इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब अवश्य करें। मैं चाहता हूं कि पहले आप ये वाला वीडियो देखें। ठीक समझे आप, ये वीडियो लच्छीवाला टोल प्लाजा का है, जहां 18 फरवरी से टोल टैक्स की वसूली शुरू हो गई है और लोग इसका विरोध कर रहे हैं। ये मैं रेट लिस्ट आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, इसको देख के आप समझ लीजिए कि ये टोल टैक्स है या टोल वसूली। कार, जीप, वैन या हल्के वाहन 85 रुपये, जी हाँ 85 रुपये, 24 घंटे के भीतर वापसी कर रहे हैं तो 125 रुपये, और महीने का पास 2,765 रुपये। हल्के कमर्शियल वाहन 135 रुपये और 24 घंटे के भीतर वापसी कर रहे हो तो 200 रुपये, और इनका मंथली पास बनेगा 4,465 रुपये का। बस और ट्रक का 280 रुपये लगेगा, और 24 घंटे के अंदर वापसी कर रहे हैं तो लगेगा 420 रुपये, और मंथली पास 9,355 रुपये। साफ हो गया है कि उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों से देहरादून आने वाले लोगों को अब बहुत ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा। जो लोग अपनी कार से आते हैं उनको तो महंगा पड़ेगा ही पड़ेगा, जो लोग जीप में आते हैं, ट्रैकर में आते हैं या बसों में आते हैं, उनसे भी अब ज्यादा किराया वसूला जाएगा, क्योंकि इतना मोटा पैसा यहाँ देना पड़ेगा। क्षेत्र है उनमें सभी का जो है टोल जो है वो निःशुल्क दिया जाए, फ्री किया जाए। यहाँ मैं एक बात कहना चाहता हूँ, अच्छी सड़कें उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता होती है, और इसके लिए सरकार बाकायदा हमसे टैक्स लेती है। जब भी हम कोई छोटी या बड़ी गाड़ी खरीदते हैं तो एक मुश्त उस पे टैक्स वसूला जाता है। तो यदि टैक्स पहले से वसूला जा रहा है तो ये जगह जगह टोल टैक्स के नाम पे वसूली क्यों की जा रही है, सोचना कभी।